इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको दिमाग की ऐसी शक्ति को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा जिस शक्ति के जरिए आज तक दुनिया में जो भी कुछ बड़ा घटित हुआ है वो इसी शक्ति की वजह से हुआ है। वो शक्ति है हमारे दिमाग की इमेजिन करने की शक्ति। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ इमेजिनेशन को और भी पावरफुल कैसे बना सकते हैं अल्फा स्टेट की मदद से। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है जिनकी इमेजिन करने की शक्ति कमजोर है, जो किसी एक काम पे अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते हैं और जो अपनी इमेजिनेशन पावर को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहा करते थे, ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। लॉजिक विल गेट यू ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। उनका कहने का मतलब था कि बहुत सी नॉलेज इकट्ठी कर लेने से आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाते हो। आपको इंटेलिजेंट अगर कोई बनाता है वो आपकी इमेजिनेशन पावर है। इनसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। हम हवाई जहाज में सफ़र करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन हवाई जहाज भी किसी ने कभी इमेजिन किया था। मैं बात कर रहा हूँ राइट ब्रदर्स की। उनकी इमेजिनेशन थी कि हम लोहे को हवा में उड़ा देंगे, एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे इंसान आसमान में उड़ सकेगा, और ऐसा हो भी गया। मैं ये मानता हूँ हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी मुश्किल नहीं हो सकती जितना एक लोहे को हवा में उड़ाना हो सकता था उस टाइम, लेकिन वो भी पॉसिबल हुआ एक इमेजिनेशन पावर की मदद से। और आज की इस वीडियो में आपको इसी पावर को अच्छे तरीके से यूज़ करना और इसे इम्प्रूव करना सिखाऊंगा अल्फा स्टेट की मदद से। ये पावर आपकी हेल्प कर सकती है लाइफ की किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आप ऐसा कुछ सीखने जा रहे हो जो आपको मरते दम तक आपको हेल्प करने वाला है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी होती है हम उस वक्त हारा हुआ महसूस करते हैं और सब कुछ किस्मत पे छोड़ देते हैं। फिर हम खुद को मोटिवेट करने के तरीके ढूंढते हैं और इंटरनेट पे बहुत सी मोटिवेशन हमें मिल भी जाती है, लेकिन वो मोटिवेशन एक या दो दिन रहती है। उस मोटिवेशन का नशा उतरते ही आप अपने आप को मुसीबतों में घिरा हुआ पाते हैं। लेकिन मैं आपको मोटिवेट या दिलासा नहीं दूंगा, बल्कि आपको इस काबिल बनने में हेल्प करूंगा कि आपको कभी भी दूसरे व्यक्ति से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतिहास में जितने भी लोगों ने कुछ पाया है उनका यही कहना है, मोटिवेशन आपके अंदर से आती है, बाहर की मोटिवेशन एक भ्रम से ज़्यादा और कुछ नहीं होती। एक बार एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए इधर उधर घूमती रहती है कि कब चूहा बिल से निकले और वो उसे खा जाए, और वो चूहा बिल में छुपा रहता है। उसे डर होता है कि अगर वो बाहर निकला बिल्ली उसे खा जाएगी। वो एक तरकीब लगाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद कर लेने से उसका डर गायब हो जाता है क्योंकि उसे बिल्ली दिखना बंद हो जाती है। आंखें बंद करके वो बहुत तेज भागने लगता है और जैसे ही बिल से बाहर निकलता है बिल्ली उसे खा जाती है। क्योंकि आंखें बंद कर लेने से या खुद को मोटिवेशन के जरिए हिप्नोटाइज कर लेने से वो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहती है जब तक आप उसे सॉल्व नहीं करते। मैं आपको मोटिवेशन या दिलासा नहीं दूंगा, बल्कि आपको ये सिखाऊंगा कि जब आपको एक थॉट आता है उसके बीच में एक साइलेंस आता है, फिर से आपको दूसरा थॉट आता है। वो जो साइलेंस है उसको मास्टर कैसे करना है वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब हमारे दिमाग में फालतू चीज़ें आना बंद होने लगती है तो किसी भी प्रॉब्लम को समझना और भी आसान हो जाता है। जब फालतू की चीज़ें आना बंद होगी तो आपकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी यूं ही आसान होने लगती है। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपनी इमेजिनेशन पावर को और भी इम्प्रूव कर सकते हो और उस इम्प्रूविंग पावर से अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये अल्फा स्टेट का पार्ट टू है। ये वीडियो और भी एडवांस है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो ये वीडियो में बताई जाने वाली टेक्निक्स आपके लिए मुश्किल होगी। मेरी रिक्वेस्ट है
आप पहली वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको बताया था अल्फा स्टेट में जाने का सही तरीका क्या है। अगर आप पार्ट वन में बताई हुई पावरफुल टेक्निक्स को हर रोज़ इस्तेमाल करोगे तो ही आप आगे के एडवांस तरीके समझ पाओगे, क्योंकि ये वीडियो अल्फा स्टेट में जाने की ट्रेनिंग है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। हाउ टू एंटर अल्फा स्टेट पार्ट वन का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अल्फा स्टेट में कैसे अपनी इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करना है। इस टेक्निक को आप ध्यान से समझें, ये आपकी लाइफ टाइम काम आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अल्फा स्टेट में कैसे प्रवेश करना है, वैसे ही फॉलो करके आपको पहले अल्फा स्टेट में प्रवेश करना है। जैसे मैंने पार्ट वन में बताया था कि अल्फा स्टेट में जाकर आपको खुद को अफर्मेशन देनी है, लेकिन इस बार आपको इमेजिनेशन पावर यूज़ करनी है। बीटा में की जाने वाली इमेजिनेशन इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी अल्फ़ा में की जाने वाली इमेजिनेशन होती है। ये तरीका कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल लगेगा अगर उन्होंने पार्ट वन को अच्छे से नहीं समझा होगा और डेली अल्फ़ा में जाने का एक्सपीरियंस नहीं करते होंगे। आपको करना ये है, जब आप अल्फ़ा स्टेट में प्रवेश करो तो आपको एक पिक्चर इमेजिन करनी है। आप कोई भी पिक्चर इमेजिन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपको एक एप्पल इमेजिन करना है और उस एप्पल को एकदम रियल बनाने की कोशिश करनी है। उसका कलर देखना है, उसका साइज देखना है, या जो उसका टेक्सचर होता है उसे इमेजिन करना है। फिर आपको उसे स्मेल करने की कोशिश करनी है, यहाँ तक कि आपको उसको खाने की भी कोशिश करनी है। उसका टेस्ट आपको आना चाहिए। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी इमेजिनेशन को और भी पावरफुल तरीके से यूज करने की। इसे आप समझे कि आप ABCD सीख रहे हो, उसके बाद आप ABCD से बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हो। ये टेक्निक आपको तब तक रोज करनी है जब तक आप इसमें माहिर ना हो जाओ। अब मैं बात करता हूँ कि किसी प्रॉब्लम को अल्फा में जाकर कैसे सॉल्व करना है। जब आप इस टेक्निक में माहिर हो जाओगे तो आपको करना ये है, जब आप अल्फा में प्रवेश करो तो आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम को एक मूवी की तरह अपने माइंड में प्ले करना है। अब जो मैंने आपको एप्पल इमेजिन करने वाली टेक्निक सिखाई थी, इसका बेनिफिट आपको यहाँ पे पता चलेगा। जब आप अपनी किसी प्रॉब्लम को एक मूवी की तरह प्ले करते हो तो आपको कोशिश करनी है कि उसमें कौन से ऐसे चेंजेस आप कर सकते हो जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कैसे वो सॉल्व करना है, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। इस टेक्निक से आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी और जो आगे वीडियोस में टेक्निक्स आपको बताऊंगा, उनको करने में आपको हेल्प मिलेगी। मैं इसी विषय पे और भी एडवांस वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप स्टेट ऑफ स्टिलनेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँ उसकी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। मेरा नाम है करण, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव लेकर आएगी। थैंक यू।